इस वक्त पटना के पीएमसीएच के मुख्य गेट के सामने मैं खड़ा हूँ और यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि पीएमसीएच के अंदर आप गलती से मत जाना, नहीं तो बहुत अच्छे से रलाई होगा। तो हमने सोचा तो आखिर काहे रलाई होगा, हम तो भैया चौथा स्तंभ हैं, हम तो ज़रूर जाएंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर कुत्ता दलाल और आम आदमी जाना अलाउ है लेकिन पत्रकार जाना अलाउ नहीं है। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य पटना का और बिहार के लोगों का और बिहारियों का कि आखिरकार पटना के इस अस्पताल में क्या अजूबा है कि इसके अंदर कुत्ता तो जा सकता है लेकिन हम जैसे लोग पत्रकार लोग नहीं जा सकते हैं। हम नितेश जी से पूछना चाहते हैं आखिर यहाँ पर कौन सा अजूबा है, क्या आठवां अजूबा है इस पीएमसीएच के अंदर, आखिर पत्रकार जाएंगे क्यों नहीं? अगर शायद इसे जाएंगे तो लिखा पढ़ी का खेल में और ये पीएमसीएच का लिखा पढ़ी का खेल में पीएमसीएच का काला सत्य उजागर हो जाएगा। यहाँ पर हमको लोगों ने आगाह किया कि यहाँ मत जाइएगा नहीं तो अच्छे से ठुकाई होगा। शायद से 10-15 दिन पहले एक पत्रकार महोदय गए हुए थे और उन महोदय को वहाँ के महोदय और महोदया मिल के इतना मारे हैं कि वो बेचारे दोबारा पीएमसीएच में जाएंगे ही नहीं। तो हमको भी यहाँ हाथ पैर नहीं तोड़वाना है, हम भी नहीं जाएंगे, बस यहीं से बताएंगे कि पीएमसीएच के अंदर पत्रकार का जाना सख्त मना है। शायद ऐसे पीएमसीएच वालों को पता चल देगा कि मैं रिपोर्टिंग करके गया हूं तो सरकारी काम में बाधा का आरोप डालकर हमारे ऊपर एक एफआईआर करवा देंगे। लेकिन पीएमसीएच इधर है और हम इधर पीडब्ल्यू के रोड पे खड़े हैं, तो पीडब्ल्यूडी के रोड पे जब खड़े हैं तो पीएमसीएच हमारे ऊपर एफआईआर नहीं करवाएगा, कारण कि हम पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और दूसरा जो है इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहे, इसलिए हमारे ऊपर एफआईआर नहीं होगा। हम सरकारी काम में बाधा भी नहीं डाल रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर आम जनता है, ये भैया हैं पत्रकार हैं, पत्रकार हैं आप भी? जी जी। गए हैं कभी आप? नहीं, हम। क्या चैनल का नाम है? पब्लिक प्लेटफॉर्म। अच्छा, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिक की बात होती है। पीएमसीएच के अंदर पत्रकारों को जाना क्यों मना है? क्योंकि हमको, हम लखनऊ से आए, हमको यहाँ पर बताए तो हमको लगा ही तो अजूबा है, हमको कवरेज करना चाहिए यहाँ। क्यों, क्या क्या अजूबा है यहाँ पे? आप हर उस जगह नहीं जा सकते जहाँ जाके भयंकर तरीके से एक्सपोज करते हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो स्कूल हो, या फिर सरकारी कार्यालय हो। और अभी सिर्फ अस्पताल में बैन लगा है, मैं लिखित में स्टाम्प पेपर पर मुहर मार के दे सकता हूँ कि आगे आने वाले कुछ समय में सरकारी स्कूलों में जाना पत्रकारों का बैन हो जाएगा, सरकारी कार्यालय में जाना बैन हो जाएगा। और कहा जाएगा, और कहा जाएगा कि आप पोर्टल वाले हैं सर, आपके अधिकार में नहीं आता है। अच्छा, हम 10 दिन पहले समस्तीपुर में एक स्कूल में थे, वहाँ के हेडमास्टर हमको बड़ा में समझा रहे थे, तो हम भी समझाए कि हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, हमें अपने अधिकारों का पता, हमें क्या करना चाहिए, देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और शायद से दो चीजों में, मेडिकल लाइन में और एजुकेशन लाइन में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ पर ये दिखाइए, इधर मेडिकल स्टोर लाइन से बने हुए हैं, आप सरकारी अस्पताल के बाहर कुछ यार्ड तक आप अस्पताल के बाहर जो है कुछ यार्ड तक दवा बैंक नहीं खोल सकते, मतलब मेडिकल स्टोर नहीं चला सकते हैं, लेकिन ये सब हो रहा है और सब जगह होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, मैं जहां तक से जानता हूं, दो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को मैं जानता हूं। एक ये गाइडलाइन है कि जहां सरकारी अस्पताल है उसके कुछ यार्ड तक आप प्राइवेट दवा खाना नहीं खोल सकते। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन है कि कोई भी डॉक्टर दवा का नाम नहीं लिखेगा, सिर्फ कंपोजिशन लिखेगा। लेकिन अक्सर डॉक्टर दवा का नाम लिखता है और कंपनी सहित लिखता है, इसी कंपनी का लीजिए, इतना ही नहीं उनको नोट मिलेगा प्रॉफिट, इतना ही नहीं ये भी बताता है कि इसी दवा के दुकान से वो दवा भी मिलेगा। अब मरीजों को लगता है कि हमारे डॉक्टर साहब इतने महान डॉक्टर हैं, अमेरिका के वो डॉक्टर हैं, कि इनका दवाई तो इसी दुकान पे मिलता है। कोई नहीं पता कि वो मेडिकल स्टोर इनके चाचा का है, क्यों? बिल्कुल यही होता है सर, यही होता है, यही होता है। और ये जब तक होता रहेगा तब तक बिहार के गरीब लोग ऐसे लुटते रहेंगे, उत्तर प्रदेश के गरीब लोग ऐसे मरते रहेंगे और बिहार और यूपी का विकास नहीं होगा, क्यों? देखिए, इसमें सरकार की भी गलती है और सबसे सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन बना दिया, किसका काम है कि उसको धरातल पर उतारा जाए? प्रशासन का ना, प्रशासन काम नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट क्या करे? सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसी गाइडलाइन है जिसका जमीन पर कोई असर नहीं। हम ये नहीं कहते नीतीश कुमार जी अच्छे नहीं है, अरे नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे है, बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे भ्रष्ट लोग, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट कर्मचारी और भ्रष्ट डॉक्टर लोग जो है वो सिस्टम को बिगाड़ के रखे हैं, पूरे अस्पताल को लूट कर रखे
रहे हैं। हम ये नहीं कहते नीतीश कुमार जी धरातल पे अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया योजना ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दलाल जो लोग है ना वो सब खा पैसा लूट रहा है। पूरा दलाल इतना भरा हुआ है हॉस्पिटल में कि गरीब लोग यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहे हैं। हम नहीं जा सकते, हम जा रहे हैं, मेरा बच्चा यहाँ एडमिट है एक हफ्ता से। हमने दवाई के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में एक 10 ml का सिरिंज तक उपलब्ध नहीं है, जो हमको बाहर से मिल रहा। हाँ मतलब सिरिंज लगाने नहीं का बाहर नहीं नीतीश के सर आइए बोलता है कि ये सरकारी उपलब्ध है आपका दवा खाना। नहीं, ये 0/0 है इनके सरकार में। हम ये दवा ये दवा बाहर से लेके आ रहे हैं। हम लोग दवा लिखा गया है। हाँ सर लिखा गया, सर अभी लिखे हैं सर, दिए नहीं आपने? हाँ नहीं मिला सर। इतना और बताए होंगे किस मेडिकल? जी 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 सर, सर का नाम भी बताए। हाँ इतना बता रहा है कि आप फलाने जगह जाइए वहाँ से, और यहाँ इतना दलाल है, यहाँ का सुपरिंटेंडेंट अंधा है, पता है? हाँ एक बार सुनिए ना, दलाल और कुत्ता अलाउ है, हम नहीं अलाउ है। जिस दिन हम अलाउ हो जाएंगे नीतीश कुमार जी ना, उस दिन SPMCH का दिल और दिमाग दोनों बदल जाएगा। सुपरिंटेंडेंट तक अंधा है कि यहाँ आके बाढ़ बाढ़ में नहीं घूमता है, मरीज यहाँ पर मर रहा है, देख रहा नहीं आ रहा है नीतीश कुमार। ये जानते काहे बोल रहे हैं? मेरा ये जानते काहे बोल रहे हैं? हफ्ता से इनका इनका खून मांस अंदर अस्पताल में मर रहा है, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, और इनके साथ नोट का खेला खेला जा रहा है। यहाँ का इसीलिए ये बोल रहे हैं क्यों चाचा? नहीं देता है, है? गलत होता है नहीं? मैं बहुत ज्यादा भ्रष्ट अस्पताल है, बहुत ज्यादा भ्रष्ट अस्पताल है यहाँ पर। आप दवा लीजिए कहेंगे कि हाँ दवा मिलेगा, लेकिन कुछ दवा अंदर नहीं मिलता है, सब बाहर फलाने दुकान से खरीद कर लाइए। ये सुधरेगा कैसे ही सब? सुधरने का सिर्फ एक ही है कि जब तक से सरकार को ये समझ में नहीं आएगा कि जो पब्लिक है ना सिर्फ रोड पे खड़ी होकर चिल्लाती नहीं है, धरना नहीं देती है, जरूरत पड़ने पर आपकी सरकार भी गिरा सकती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये सारी चीजें होते रहती हैं, असर ही नहीं होता है। जब मेडिकल के नाम पे आप वोट नहीं दे रहे हैं, जनता को सरकारें वोट बैंक समझती है, और यही देश का दुर्भाग्य है। जिस दिन आम जनमानस जागरूक हो जाएगा, उस दिन सत्ता परिवर्तन हो जाएगी। महाराज PMCH की बात करते हो, पूरे बिहार का मेडिकल सिस्टम आके सामने गिड़गिड़ाएगा आम आदमी के सामने। लेकिन शायद से आम आदमी तभी जागेगा जब नेता के चंगुल से बाहर आएगा। दुर्भाग्य इस देश का कि अनपढ़ लोग आज सत्ता में काबिज हैं, पढ़े लिखे लोग रोड पर भीख मांग रहे हैं, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे लोग रोजगार तलाश रहे हैं, क्योंकि भ्रष्ट नेता का भ्रष्ट बेटा ही इस देश में भ्रष्ट नेता बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो आप और हम भूल रहे हैं वो ये कि जितने सरकारी अस्पताल में बैठने वाले डॉक्टर हैं, कुछ ही यार्ड पे पता चलेगा कि उनका अपना प्राइवेट क्लिनिक चलता है। क्लिनिक होगा अगर है ना, किसी से भी पूछ लीजिए, हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हर सरकारी डॉक्टर का अपना प्राइवेट क्लिनिक है, और जो डॉक्टर सरकारी क्लिनिक में समय नहीं दे रहा उसी प्राइवेट क्लिनिक में जाके बैठता है, भीड़ भी लगती है, और वहाँ पे सही तरीके से वो देखता है। 1000 रुपया चाचा लेते हैं देखने का, 500 रुपया लेते हैं, और गरीब लोगों का खून चूसते हैं। 10 साल नौकरी पे है, कारण मर रहा है, वहाँ गरीब आदमी नहीं जाएगा, वो पैसे वाला आदमी जाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? नीतीश सरकार बोलते हैं कि गरीब के लिए हम बिहार सरकार में उपलब्ध PMCH है। हम आपका दुख और पीड़ा सब समझ रहे हैं, कुछ नहीं है, एक दवा एक 10 ml का सिरिंज तक उपलब्ध नहीं है। वहाँ का एजेंट, वो एजेंट वहाँ का सारा लोग वहाँ पर ही भरा हुआ, पैसा ले लेके पूरे यात्री को रात में खड़ा कर देता, पैसा लेके भाग जा रहा है। ये वहाँ पर आप हम और ऐसे मर जाएंगे, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, उनका एक सच्चाई, आप लोग अच्छे इंसान है, वो तो कुछ अच्छे इंसान, उनका एक सच्चाई हम आपको बता रहे हैं, आप लोग भी जानते होंगे। 2019 में मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार बहुत फैला हुआ था, बहुत लोग मर गए, बहुत लोग मर गए, और उस समय विश्व कप का मैच हो रहा था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का मीटिंग चल रहा था मुजफ्फरपुर में, और जो है सो वहाँ पर शामिल थे मंगल पांडे, बच्चे मर रहे हैं, और भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है विश्व कप में, और मंगल पांडे रोहित शर्मा के शतक बना कि नहीं बना उस चिंता में पड़ रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड सारे जी न्यूज से लेकर राम रे राम, कैसे विकास होगा रे बबुआ बिहार का? शतक होना चाहिए, बच्चा का जान नहीं बचना चाहिए, क्योंकि वो गरीब मुसहर दलित है। डॉक्टर साहब ऐसे चीर देंगे और देखेंगे विराट कोहली पाकिस्तान में शतक मारा कि नहीं, तो पेशेंट कैसे बचेगा? उसके अंदर भूल जाएंगे सिरिंज, क्यों? ये इंडिया वाले हैं मंगल पांडे, हम लोग गरीब लोग भारत वाले हैं, भारतवासी, हिंदुस्तान, ये सब हिंदुस्तान के निवासी हैं, और वो इंडिया के हैं, और यही सौभाग्य, जिस दिन आप भी इंडिया के हो जाए, इंडिया के नहीं हिंदुस्तान के हो जाएंगे, उस दिन शायद से बिहार का, उत्तर प्रदेश का, और ऐसे जैसे गरीब प्रदेशों का
दुर्भाग्य है सौभाग्य हो जाएगा। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों इस वीडियो से जुड़ने के लिए, धन्यवाद।